सर एक सवाल, एक कोटेशन लिखी है ब्रूसली की, कोई इसको पढ़ के दिखा दे मुझे, कोई इसको पढ़ के नहीं बताए, मजर बताओ भाई क्या लिखा है, जोर से मजर क्या लिखा है। लाइफ इट सेल्फ इज अ टीचर, ये ब्रूसली का एक कोट है कि जिंदगी खुद ब खुद एक अपना उस्ताद है। इस जुमले की मैं चाहता हूँ कोई तशरीह करे, हर दिन नया है। हारिस कह रहा है बस यही ठीक है, बस सीख लिया। सर कहानी ये है कि सर मैं बताऊँ, ये जो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है ना, ये कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप विजनरी नहीं। अब विजनरी की डेफिनेशन जो मैंने की है, जो मैं सीख पाया हूँ आज तक, नहीं मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। सर फैसल भाई, विजनरी इंसान वो है जो वो देख सकता है जो लोग सोच नहीं सकते, और वो सोच सकता है जो लोग देख नहीं सकते, वो इंसान विजनरी है। यानी आपके पास ऐसा सपना है जो आप उसको देखते हो खुली आंखों से और लोग उसको सोच भी नहीं सकते, और आपके पास वो सपना है जिसको लोग बोल भी नहीं सकते लेकिन आप सोच लेते हो, आप विजनरी इंसान हो। तो सर विजनरी इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको चाहिए ग्रिट की ज़रूरत, वरना ये मेंटल टफनेस काम नहीं करेगी। मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास विजन नहीं है, ये ग्रिट पढ़ाते हुए मैं करूँगा, लेकिन ब्रूसली का यहाँ एक कोड इससे मिलता है। अब सवाल है ना कि भाई जिसके पास विजन तो है, लेकिन सर विजन का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप फंसो आपको पता भी चल जाए ना कैसे निकलें, तो वो कैसे निकलेगी। तो ब्रूसली ने जब 21 साल का था ना सर, ब्रूसली हमारी उम्र का था, ब्रूसली ने क्या किया कि भाई अपने दोस्त को जो अमेरिका में था उसको लेटर लिखा। लेटर में उसको लिखा उसको कि मेरी ज़िंदगी के क्या क्या ख्वाब हैं और 30 साल की उम्र तक मैं पूरे कर लूँगा। उसने ये लिख दिया, और उसने अब उस लेटर में एक नई बात थी, एक नई बात बहुत सारे ख्वाबों में उसकी एक नई बात थी कि भाई मैं ना हॉलीवुड इंडस्ट्री में मार्शल आर्ट लेके आऊँगा, ये नई बात थी। तो इसकी तमहीद के ऊपर ही ब्रूसली ने एक चीज़ बांधी, यानी तशरीह की इसी बात की कि मैं कैसे करूँगा। तुम पढ़ोगे तो ज़ाहिर है तुम सोचोगे भाई ब्रूसली ये कैसे करेगा, 21 साल का लड़का जिसका कुछ भी ना हो। तो उसने कहा कि मेरे पास इसकी तशरीह है, जवाब ये है। ब्रूसली ने कहा, अब ये जवाब मैं दे रहा है, उसने कहा कि अगर तुम ये पूछोगे ना मुझे कौन आगे बताएगा, उसने कहा लाइफ इट सेल्फ इज अ टीचर। अगर आप सीखने को तैयार है तो ज़िंदगी खुद आपको सिखाने को तैयार है। मीन्स उसे आपकी प्रिपरेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें, ये कहने का मतलब था उसका।